राहुल राय की पहली फिल्म 1990 में आई थी आस की। इसमें राहुल राय, अनु कपूर, दीपक तिजोरी और कुमार सानू ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। अगली फिल्म 1991 में आई थी प्यार का साया। इसमें राहुल राय, शिवा अग्रवाल और अमृता सिंह ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1992 में आई थी जुनून। इसमें राहुल राय, अविनाश वाधवन और पूजा भट्ट ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1992 में आई थी गजब तमाशा। इसमें राहुल राय, दीपक तिजोरी, अनु अग्रवाल और तनुजा ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1992 में आई थी दिलवाले कभी न हारे। इसमें राहुल राय, पृथ्वी नगमा और वर्षा और सुगमकर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 1992 में आई थी जानम। इसमें राहुल राय, पूजा भट्ट और परेश रावल ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1992 में आई थी सपने साजन के। इसमें करिश्मा कपूर, राहुल राय और जैकी श्रॉफ ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1993 में आई थी पहला नशा। इसमें दीपक तिजोरी, पूजा भट्ट, रमना टंडन और परेश रावल ने अभिनय किया था। इस फिल्म में राहुल राय ने कैमियो किया था। अगली फिल्म 1993 में आई थी बारिश। इसमें राहुल राय, शिवा अग्रवाल और मोहनीश बहल ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 1993 में आई थी गुमराह। इसमें संजय दत्त, राहुल राय, श्रीदेवी और अनुपम खेर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1993 में आई थी गेम। इसमें नसरुद्दीन शाह, आदित्य पंचोली, राहुल राय और संगीता बिजरानी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1993 में आई थी फिर तेरी कहानी याद आई। इसमें पूजा भट्ट, राहुल राय और पूजा बेदी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1993 में आई थी भूकंप। इसमें जितेंद्र, राहुल राय, दीपा शाही, ममता कुलकर्णी और मोहन जोशी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1994 में आई थी हंसते खेलते। इसमें राहुल राय, नंदनी सिंह, असरानी और इशरत अली ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 1996 में आई थी मझधार। इसमें सलमान खान, मनीषा कुरैला, राहुल राय और राज बब्बर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 1996 में आई थी मेघा। इसमें शम्मी कपूर, करिश्मा कपूर और राहुल राय ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 1997 में आई थी धर्म करम। इसमें धर्मेंद्र, जितेंद्र और गजेंद्र चौहान, राहुल राय और पुनीत ईसर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 1997 में आई थी नसीब। इसमें गोविंदा, ममता कुलकर्णी, कादर खान और राहुल राय ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1998 में आई थी अचानक। इसमें गोविंदा, मनीषा कोयराला, फरहानाज और राहुल राय ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2000 में आई थी तूने मेरा दिल ले लिया। इसमें रवीना टंडन, नसरुद्दीन शाह, राहुल राय और शक्ति कपूर और डैनी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2001 में आई थी अफसाना दिलवालों का। इसमें आशीष कौल, राहुल राय, जूनी और रंजीत ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2005 में आई थी मेरी आशिकी। इसमें राहुल राय, हिमानी शिवपुरी और मनीष माथुर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2006 में आई थी विद्यार्थी। इसमें विक्रमादित्य, राहुल राय, गोविंद नामदेव, परेश रावल और जैकी श्रॉफ ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 2006 में आई थी रफ्ता रफ्ता। इसमें समीर धर्माधिकारी, उर्मिला राव, राहुल राय और शहबाज खान ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2006 में आई थी नॉटी बॉय। इसमें राहुल राय, हितेश कृपलानी और शार्लिन चोपड़ा ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2006 में आई थी बिपाशा। इसमें निधि गिल, राहुल राय और रजाक खान ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2008 में आई थी फिर तौबा तौबा। इसमें अमीन गाजी, सदिकार रंधावा, राहुल राय और हितेश कृपलानी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2010 में आई थी अदा ए वे ऑफ लाइफ। इसमें अयाना अहमद, राहुल राय और आशा जुल्का ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2010 में आई थी क्राइम पार्टनर। इसमें राहुल राय, अली खान, अंजना शर्मा और फेडोरा सेगर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2011 में आई थी ऐलान। इसमें मनोज तिवारी, राहुल राय, जोगिंदर तिवारी और गजेंद्र चौहान ने अभिनय किया था। यह एक भोजपुरी भाषा की फिल्म है। अगली फिल्म 2016 में आई थी टू बी या नॉट टू बी। इसमें राहुल राय, त्रिविक्रम मट्टू, आकांक्षा शिवहरे और विवेक श्रीवास्तव ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2019 में आई थी केवरे। इसमें ऋचा चड्ढा, गुलशन देवैया, राहुल राय और आयश श्रीसंत ने अभिनय किया था। यह G5 पर रिलीज की गई थी। अगली फिल्म
1919 में आई थी थीन ऑफ लाइन, इसमें त्रिविक्रम मट्टू, राहुल राय और आकांक्षा ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2020 में आई थी सयोनी, इसमें तन्मय सिंह, राहुल राय, मुस्कान सेट्टी, योगराज सिंह और उपासना सिंह ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2022 में आई थी लखनऊ जंक्शन, इसमें जाकिर हुसैन, राहुल राय, सपना चौधरी और एहसान खान ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2022 में आई थी अनोखी, इसमें कल्पना शाह, राहुल राय, राजू खेर, कशिक दुग्गल और जरीना बहाव ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। यह थी राहुल राय की अब तक की फिल्मी सफर। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।